आज हम जा रहे हैं पकवान ट्रेडिशनल फूड में और देखते हैं वहाँ का खाना कैसा है, आपको भी खिलाते हैं और शेयर करते हैं आपके साथ में अपना जेन्युइन रिव्यू और यस कैसी आज हम उनको फीडबैक भी देंगे अच्छा वाला नहीं जैसा हमको लगेगा वैसा। और बहुत गर्मी हो रखी है इसलिए हम गाड़ी से आए, नहीं तो हम टू व्हीलर से जाते। और यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग है, ये सबसे प्लस पॉइंट मुझे लगता है, कहीं कहीं पे नहीं होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें ऐसा लगता है कि गाड़ी पार्क कहाँ करें ये वो, तो अच्छा है मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ कैसा है। सो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, कायना बहुत खुश हो गई आके, जैसे शाम का वक्त होता है तो यहाँ पे चिल करने के लिए ठीक है, खाना खाओ और बाद में बच्चे स्विंग करते हैं स्लाइड करते हैं ये, और ये इस तरह यहाँ पे थाली है। आते ही हमको ये दे दिया गया है जलजीरा जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस दिख रहा है गर्मी के। आ गया है हमारा मसाला पापड़, अभी मैं आपको ये खाके दिखाती हूँ कि ये कैसा है। और आप ये देख सकते हैं इधर ये जो गेट है ये वाला, इधर इसमें कुछ देख नहीं रहा, ये वाला जो गेट है। सो यहाँ पे आप फंक्शन के लिए भी बुक कर सकते हैं, जैसे फंक्शन करना होता है कि थोड़ा एंगेजमेंट पार्टी या कुछ भी है कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपके साथ में एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि फूड ब्लॉगर जो होते हैं उनकी वीडियोस में जो खाना है या फिर ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, तो दिखने में जो चीज़ अच्छी होती है ज़रूरी नहीं कि वो खाने में भी अच्छी हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं कि खाने में टेस्ट था कि नहीं, सब लोग तारीफ ही करते हैं, बट यहाँ का खाना जो है बहुत ऑयली था, सब्ज़ी में इतना ऑयल था कि मैं नहीं खा पाई, दूसरी सब्ज़ी ऑर्डर भी नहीं की, कायना ने तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। और खाने के बाद गर्मी ज़्यादा हो रही है तो हमें एकदम अजीब ही फील हो रहा था, मतलब वॉमिटिंग जैसा लग रहा था। खुश हो ही जाएंगे ऑब्वियसली, स्विंग्स हैं यहाँ पे, ये बर्ड्स हैं जो कि बहुत गर्म हो रही होगी इस टाइम, बट कायना मान नहीं रही है तो, और बहुत धूप है मैं तो यहाँ पे खड़ी नहीं हो सकती। इधर चेयर्स है, इनका जो व्यू है वो बहुत अच्छा है और इस तरह से है ये। यहाँ पे दाल बाटी चूरमा भी शायद मिलता है, बैंकेट हॉल भी है इधर और होम डिलीवरी भी अवेलेबल। वो रेटिंग देनी हो तो मैं इसको दूंगी 3 रेटिंग 3 स्टार मतलब आउट ऑफ 5, क्योंकि इसमें हमने वेज कॉफ्ता ऑर्डर किया था और आपको मतलब उसमें एक ही कोफ्ता था बड़ा, बट उसकी जगह अगर वो 2 से 3 कोफ्ते रखे छोटे छोटे बॉल्स में बना के तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर एक पॉइंट मुझे वहाँ लगा जो इनके यहाँ पे कुछ भी चीज़ें चिल्ड नहीं है, जैसे कि बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पुणे में, तो रायता वगैरह है या कुछ भी है तो हमने बोला कि इसमें आइस डाल दिए या फिर ये ठंडा होना चाहिए, तो वो नॉर्मल था, मतलब जैसे कि हम नॉर्मल सर्दियों में पीते हैं, वो थोड़ा ऐसे एक पॉइंट माइनस लगा। एंड बाकी ओवरऑल ठीक है, लोकेशन अच्छी है, गाड़ी का पार्किंग भी है इधर और प्रॉपर ये राजस्थानी है, मारवाड़ी राइट, मारवाड़ी ना, मारवाड़ी का रेस्टोरेंट है, तो उस तरह से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आइए एंजॉय कीजिए, बच्चे भी इंजॉय करेंगे जैसे कि यहाँ पे कायना कर रही है। देखिए तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि इस थाली में इतनी सारी वैरायटी है ना कि एक बंदा इसे खा ही नहीं सकता। अगर आप 7-8 जने हैं फैमिली में तो आप यहाँ पे आइए या फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, इसको एंजॉय कीजिए। और देखिए मैंने आज तक थाली नहीं खाई है, मैं कभी ट्राई करूँगी और आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो इस तरह की वीडियो मैं और लेकर आऊँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक के